थोड़ी खराब हो गई थी बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ अभी, तो इसलिए मैं व्लॉग्स बना नहीं पाई, माफ कीजिएगा। बट ये वाला व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, हमारी चांद रात का व्लॉग है ये। ईद के सारे प्रिपरेशन सब कुछ देखने मिलेगा आपको। आई थॉट ये वाली ईद जो है अजलान के साथ है और सफा भी हमारे साथ है, तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करना चाहिए और आप सबके साथ मनाना चाहिए। ईद हो और मेहंदी से शुरुआत ना हो तो क्या है ना। तो हमारी बहन आई है, वो आफरीन हर्बल, आफरीन हर्बल की तरफ से आई है। तुम्हारा नाम क्या है? साइमा। साइमा, साइमा मुझे अभी मेहंदी लगाएंगी और देखते हैं कैसी मेहंदी लगती है। मुझे एकदम सिंपल सा डिजाइन चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, अच्छी से लगाओगे ना जी? कैसे वाला डिजाइन लगाओगे बताओ? अकाउंट में है डिजाइन जो दिखाओगे? हाँ, जी ये मेरा अकाउंट है। तो इनका अकाउंट जरूर फॉलो करिएगा, मेहंदी भाई सैमा खान। अच्छा, मेहंदी भाई सैमा खान। आजकल मेहंदी वाले ना इतने बिजी हैं, मिल ही नहीं रहे थे। थैंक्स टू आफरीन हर्बल, जो उन्होंने उनकी तरफ से एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट जो बहुत ही अच्छी है, मैं देख रही हूँ उनका अकाउंट, उनको अरेंज किया मेरे लिए। थैंक यू सो मच, जकल्ला बहन आने के लिए। थैंक यू, चलो लगाते हैं मेहंदी। बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी, जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही खूबसूरत मेहंदी लगी थी, जज़ाकअल्लाह खैर। और ये हर्बल मेहंदी की तरफ से ही आया है हैम्पर, बहुत ही खूबसूरत हैम्पर था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा। ये यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है, सफाई चल रही है और ये दूसरे दिन हम आए हैं हमारी हिजाब शॉपिंग के लिए। और ये देखिए हमारी मेहंदी का रंग बहुत ही प्यारा अच्छा चढ़ा है। और यहाँ पर हम हिजाब लेने आए थे तो मैचिंग हिजाब अपने ड्रेस का जो हम पहन रहे हैं ईद पर, वो फाइनली ढूंढ के मिल गया। और हम अभी जाएंगे घर क्योंकि हमें पिक करना है आरिस को और जाना है आरिस के साथ क्योंकि उनकी ज़री शॉपिंग बाकी थी। हमने आरिस को पिक कर लिया और हम चले जियो वर्ल्ड। जियो वर्ल्ड मॉल तो मैं पहली बार जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा मॉल है मुंबई का, तो चलो मैं आप सबको भी दिखा दूँगी कैसा है, कैसा एम्बियंस है, कैसा लगता है ये मॉल। इट्स अ लग्जूरियस मॉल, यहाँ पे सारे लग्जूरियस ब्रांड्स हैं और मतलब एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे शॉपिंग करने का। बहुत ही कम लोग थे और सिलेक्टेड मतलब थोड़ी ही लोग। यहाँ पे सफ़ा जा रही है और बीच में मदर ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना, अजलान है मेरे पास तो अजलान को कुछ चेंज करना था, तो हम जा रहे हैं मदर केयर रूम में। यहाँ पे हमने अजलान को चेंज कर दिया, फीड कर दिया और अजलान इज़ नाउ रेडी टू शॉप। अब अजलान तंग नहीं करने वाले हैं क्योंकि मदर ड्यूटी तो बहुत ज़रूरी है ना भाई, कुछ भी करो अब मदर ड्यूटी तो ज़रूरी है। ये देखो हमें बीच में कौन मिल गया था, करण जौहर मिल गए थे, प्लस हमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मिले यहाँ पर। ये ऐसा मॉल है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी खुद शॉपिंग करने आते हैं। और वी मेड श्योर दैट वी रीच होम बिफोर द चांद वॉज सीन, तो हमने चांद को भी देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत चांद आया था।
और यहाँ पे तैयारी शुरू बिरयानी की। और ये वाला मीठा जो है हमारे ससुराल का एकदम फेमस मीठा है, इसको शीर खुरमा जैसे ही खाया जाता है। ये सेवई अलग से बनती है, फिर गरम दूध में इसको डालकर खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी है। यहाँ का एक लेगेसी वाला मीठा है ये। और ये बिरयानी की तैयारी मैंने की, और ये देखिए भाई अगले सुबह जल्दी सब लोग आ गए ईदी लेने के लिए, सारे बच्चे तैयार हो के आ गए और ये अजलान भी तैयार हो गए। बहुत ही अच्छा लगा। ये सब अजलान के चच्चू लोग हैं। चच्चू लोग आए ईदी लेने, पर ईदी दे नहीं रहे। ईदी देने आए अजलान को। देने आए क्या? ईदी लेने आए, ईदी लेने आए ना। ईदी देने दो, ईदी अजलान ही दोस्त नॉट ऑर्निंग। I'm also not earning. ऐसा नहीं होता भाई, तुम चच्चू हो तो। हाँ तुम जैसे अभी अजलान छोटा है ना, तुम लोग भी छोटे थे, तुमको ईदी मिली होगी। चच्चा लोग देना चाहिए ना। सब चच्चा लोग डालो यार। कहा है ईदी? कहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगले साल नहीं 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 अरे तो स्कैम, चलो स्कैम स्कैम स्कैम। अरे नहीं डायरेक्ट ईदी चाहिए। ईदी 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 ईदी। बहुत मस्ती की। खैर ये वाला मीठा जो देख रहे हैं वो मैंने बनाया है। नीचे पाइनएप्पल का हलवा है, फिर इसके ऊपर जो है कस्टर्ड का लेयर है, फिर जेली एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स। बहुत ही यम्मी मीठा है ये मेरा सिग्नेचर मीठा है, बहुत पसंद आया सबको। और वो जो देख रहे हैं आप वो है शीर खुरमा जो दूध के साथ डाल के खाया जाता है। यहाँ पर सारे बच्चे आ गए हमसे मिलने के लिए, और ये क्यूट सा सरप्राइज था सारी फुपियों की तरफ से अजलान की, जिसमें लिखा है अजलान फर्स्ट ईद। ये वाले एनवेलप्स मैंने तैयार करके रखे थे कि सारे बच्चों को ईदी दे। यहाँ पे माशाल्लाह हमारी इतनी बड़ी फैमिली है तो हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको ईदी मिली और किसको नहीं मिली। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड वे में ईदी देना चाहती थी मैं, और लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था हमने। तो यहाँ पे हमने एनवेलप्स बना लिए और सबको ईदी इस तरीके से हमने दिया। हमजा आरस तो ऐसे नाम बुला बुला के दे रहे हैं जैसे स्कूल में कुछ दिया जाता है। तो बहुत ही मज़ा आया ईदी देने में। और फिर अभी था टाइम ईदी लेने का, तो हम शुरू हो गए जाना हमारे सारे रिश्तेदारों के घर जो भी आसपास हैं। माशाल्लाह से बहुत सारे घर हैं जो हमारी सोसाइटी में ही हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सा ससुराल है, बहुत सारी ईदी भी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे पिक्चर्स लिए, वीडियोस लिए, बहुत ही अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही बेहतरीन ईद रही। आपकी ईद कैसी थी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, बहुत सारा प्यार दें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।